तो ये भी नहीं पता, पढ़ते लिखते है नहीं, पता नहीं कौन से मदरसे से कौन सी पढ़ाई करके आए, यहाँ पे कानून के ऊपर बहस करते हैं। कहाँ से ले आए अपनी लॉ की डिग्री बताइएगा आप? नहीं, आप तो यही कर रहे हैं ना वो। तब आपको नहीं पता था कि मुसलमान आपका आंतरिक है क्या बाहरी है? तब तो आप सारे मुसलमानों को फ्री में वीजा देते, जाओ जाओ पाकिस्तान जाओ, सब मुसलमानों को, अगर कोई भी मुसलमान कहता है हमारे पे जुल्म हो रहा है, चल जा मुल्ली पाकिस्तान चली जा। अपने आप को मुसलमान भी कह रहे हैं, फिर शराब भी पी रहे हैं, और फिर कहते हैं अल्लाह में मानते हैं, कुरान में मानते हैं। खैर, भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल के गुस्ताखाना बयाना बयान ने उम्मते मुस्लिमा के जज्बात को शदीद ठेस पहुंचाई है। भारत में बसने वाले मुसलमानों ने इस पर शदीद एहतजाज किया है, लेकिन भारतीय पुलिस उन पर भी चढ़ दौड़ी है। पुलिस के तशद्दुद से 40 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं, 30 से ज़ायद को गिरफ्तार भी किया गया है। मोदी सरकार चाहती क्या है सर? और अगर इस हद तक गिर जाने के बाद भी आपको लगता है मुस्लिम ममालिक कोई ऐसा एक्शन लेंगे जिससे आइंदा ऐसा करने की कभी हिम्मत ना कर सके भारत? क्या आपने उसको ओआईसी से निकाला जिधर आप हिंदुस्तान को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है? नहीं। इससे पहले 10 साल 8 साल हो गए हैं मूडी का, इससे पहले आपने कुछ कहा है मूडी के बारे में? नहीं, आप तो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज आपने कहा है कि पाकिस्तान, कुवैत, सऊदी अरेबिया और कतर, क्या यूएई ने कंडेम किया है? क्या यूएई ने आके एक स्टेटमेंट दिया है? और सऊदी अरेबिया का स्टेटमेंट एक पैराग्राफ, इससे बड़ा क्या हिमाकत हो सकता था मुसलमान इस उमा पे, जो हमारे पैगंबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसने जो बातें की है और इसकी पार्टी ने जो की है, और आप एक पैराग्राफ, और आप यूएई तो कुछ अभी तक कहा ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? गुड, सैंक्शन नहीं कर रहे इंडिया में, बॉयकॉट नहीं कर रहे इंडिया में, इनके पास गट्स नहीं है, इनके पास हिम्मत नहीं है। कि मैं जवाब कैसे दूंगी? कुफ्र हूं तो पत्थर नहीं सहन करूंगी, हिंदू हूं तो मुसलमान का पत्थर सहन नहीं करूंगी, अपनी मर्जी से जवाब दूंगी, मेरी अभिव्यक्ति की आजादी तुम्हें नहीं छीनने दूंगी, औरंगजेब के वंशज तुम हो। साथ में बताती हूँ क्या किया था, मुजफ्फरनगर के दंगे भूल गए? जाट भाइयों को जेल के पीछे, मुसलमानों को बाइज्जत बरी करके रिहा करवा दिया। क्यों? तुम्हारे घर में रहते थे, तुम्हारी असली भाई थे क्या? उन्होंने लोगों को मारा नहीं? तुमने अपने मैनिफेस्टो तक में लिखा था कि युवा मुसलमानों के खिलाफ केस वापस ले लेंगे। और अदिति यही तक नहीं, मुलायम सिंह यादव की सरकार ने क्या कहा था, शुक्रवार को, सऊदी अरेबिया में रहते हैं हम या कुवैत में रहते हैं, शुक्रवार को स्कूल की छुट्टियां कर दी जाएंगी। क्यों? जो हिंदू पढ़ता है स्कूल ही सरकारी स्कूल में, या जो क्रिश्चियन पढ़ता है, या जो कोई मानता ही नहीं, कोई आस्था नहीं रखता, जो सिख पढ़ता है, जो जू पढ़ता है, वो छुट्टी पे क्यों जाएगा? क्योंकि अमीर जुमाई को नमाज पढ़नी है, ये कोई तरीका हुआ? और मैं बता दूं, तुम तो मत करो, तुम्हें उद्योगपति नजर आ रहा है, टोटी चोर। पार्टी से निकालो ना निकालो, हमारे में क्या फर्क पड़ता है? आप उस पर कार्रवाई करें। और जो आपका जो बुलडोजर, कभी मामा का बुलडोजर, कभी बाबा का बुलडोजर, कभी जिहाद कंट्रोल बोर्ड बन जाता है, तो नुपुर शर्मा की प्रॉपर्टी पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा भाई? उसकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर भी चलना चाहिए, उसको अरेस्ट भी करना चाहिए, और उसकी जितनी भी तमाम संपत्ति है, जो पैसे हैं, वो तमाम उन लोगों में बंटने चाहिए जिन पे सरकार आज तक सौतेला व्यवहार करती चली आई है। आपको लगता है ऐसा होगा? ऐसा होगा नहीं, लेकिन मांग तो कर सकते हैं। अरे आप ये वाली बात लिख रख लीजिए, नुपुर शर्मा 3 महीने बाद 4 महीने बाद 1 साल बाद उससे भी बड़ी पद पे आएगी, अभी तो एक छोटी मोटी पोस्ट पर थी वो। आप इसको देखिए, कोई ना कोई इसको इलेक्शन लड़वा के कोई ना कोई इसको मंत्रालय दे दिया जाएगा, और बीजेपी ऐसा इससे पहले भी कर चुकी। आपको याद होगा बहन जी मायावती को भी एक बंदे ने गाली दी थी, तो इन्होंने क्या, हाँ जयशंकर ने उसकी बीवी को इन्होंने बाद में फिर उसको ही बना दिया था, तो ये बीजेपी की पुरानी आदत है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, ईरान और कुवैत समेत कई ममालिक में भारतीय सुफरा को तलब करके एहतजाजी मरासले थमाए गए। सरकारी सतह पर ऐलानिया माफी मांगने का मुतालबा किया गया है। अरब दुनिया में सोशल मीडिया पर मोदी मुखालिफ ट्रेंड्स टॉप पर है। भारतीय मसनूआत के बॉयकॉट की मुहिम जोरों शोर से चलाई जा रही है। शॉपिंग मॉल, सुपर स्टोर से भारत की मसनूआत को हटाया जा रहा है। मुस्लिम दुनिया से आने वाले शदीद रद्द अमल के बाद भारतीय हुक्मरा जमात ने अपने तर्जुमान नुपुर शर्मा को मुअत्तल कर दिया है। नवीन कुमार जिंदाल को पार्टी से निकाल दिया है। दोनों के खिलाफ कई मकामात पर मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन अब तक दोनों में से किसी के एक को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पहली बात तो ये है बीबी,
कि आप लोगों को पता था 2014 में जब मूडी हिंदुओं से इलेक्ट होके आया था कि इससे पहले उसने 2000 मुसलमानों को कत्ल किया और वो कत्ल रिपोर्ट हुआ यूनाइटेड नेशंस में और उसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने उसको एंट्री बैन कर दिया मूडी का। तब आपको नहीं पता था कि मुसलमान आपका आंतरिक है क्या बाहरी है? तब तो आप सारे मुसलमानों को फ्री में वीजा देते, जाओ जाओ पाकिस्तान जाओ, सब मुसलमानों को, अगर कोई भी मुसलमान कहता है हमारे पे जुल्म हो रहा है, चल जा मुल्ली पाकिस्तान चली जा, मेरी पोस्ट पर अभी आप अपलोड करेंगे कितने SMS आएंगे, चल मुल्ली पाकिस्तान जा। तो यहाँ पर जो भी अपने हक की बात करता है आप एकदम से वीजा कटवा देते हैं पाकिस्तान के बारे में। और लेकिन जब हमारे मजहब को गाली दी जाती है तो आप लोग कहते हैं नहीं भाई, मुसलमान एक होकर कहें कि नहीं हमारा आंतरिक मामला, हमारा आंतरिक मामला क्यों होता है? हमारा आंतरिक मामला नहीं है। और अगर नुकसान होता है तो अंबानी अदानी का हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा है अगर सऊदी अरब इनके प्रोडक्ट का बायकॉट कर रहा है? अच्छा करना चाहिए ताकि इनकी कमट नहीं। हम जो है हाल ही में सुर्खियों में आई नुपुर शर्मा पॉलिटिशियन के अलावा वकील भी है। नुपुर पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखती है, वह शुरू से ही पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती थी। आपको बता दें कि दिल्ली के लॉ कॉलेज से पढ़ने के बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई थी। नुपुर शर्मा की जर्नी कैसे शुरू हुई आइए जानते हैं। नुपुर शर्मा का जन्म दिल्ली में हुआ है, उनकी पढ़ाई भी दिल्ली के हिंदू कॉलेज से हुई और उसके बाद उन्होंने DU की फैकल्टी ऑफ लॉ से वकालत पढ़ी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह UK चली गई। साल 2011 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। नुपुर के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने जुलाई 2009 से जून 2010 तक टीच फॉर इंडिया के लिए एक राजदूत के रूप में भी काम किया। आपको बता दें कि साल 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में BJP ने नुपुर को आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा था। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कड़ी टक्कर दी थी, फिर भी नुपुर को 31,000 मतों से हार मिली थी। 2015 के हलफनामे के अनुसार नुपुर शर्मा पर IPC की धारा 147, 149, 186, 332, 353 और 451 के तहत मामले दर्ज थे। बता दें पैगंबर मोहम्मद पर बयान देने के मामले में नुपुर शर्मा के अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की साइबर यूनिटी के भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल, शादाब चौहान, सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीणा और पूजा शकुन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोस्तों अगर आप नुपुर शर्मा को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट कीजिए आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।